हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम कर दें तुहाडा टू स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल दे विच। इस वीडियो दे विच स्टूडेंट्स आपां 12th क्लास दे स्टूडेंट्स दे लई जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट दे जिहड़े कि इंटेंसिव स्टडी सैक्शन ए दे जिहड़े कि करैक्टर स्कैच लैके आए। जिवें तुहानूं पता है स्टूडेंट्स, तुहाडे सैक्शन ए दे विच चैप्टर हैगे ने 8। इन्हां 8 चैप्टरां दे विचों जिहड़े जिहड़े करैक्टर स्कैच इंपोर्टेंट बणदे ने आपां इस वीडियो दे विच तुहाडे नाल जिहड़े कि डिस्कस करांगे, क्योंकि एग्जाम दे विच तुहानूं एक करैक्टर स्कैच आउंदा हुंदा, एक थीम आउंदी हुंदी है, तो जां तुहानूं कई बार कोई क्वेश्चन आ जाना हुंदा। जे कोई होर क्वेश्चन आ जाए फिर तुसीं जिहड़ा थीम ते करैक्टर स्कैच उस चैप्टर दा याद कीता हुंदा फिर तुसीं उहनूं उहदे विच ऐड कर सकदे हो, ते शॉर्ट क्वेश्चनस भी जिन्ने भी हुंदे ने उह भी तुसीं ऐड कर सकदे हो थीम दे विच, भी करैक्टर स्कैच दे विच भी अगर तुहानूं कोई होर क्वेश्चन आउंदा तां भी, ठीक है। बट याद कि रखना है कि स्पैलिंग मिसटेक ना हो, ठीक है। इहनूं होवे तुसीं इहनूं 2 पेजां दा लिख दो, टू मच मिसटेक्स होन, ठीक है। मतलब कि इंग्लिश दे विच बेशक थोड़ा लिखो, विदाउट मिसटेक लिखो, ठीक है। हाँ जी, हुण आपां इस दे विचों जिहड़े जिहड़े करैक्टर स्कैच बणदे ने आपां तुहानूं दस दे नाल आपां इस वीडियो 'च करदे हां। हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम दे विचों हसन दा करैक्टर स्कैच, द मार्च किंग दे विचों जॉन फिलिप सॉसर दा जिहड़े कि करैक्टर स्कैच, फिर आपां करांगे द स्टोरी ऑफ माई लाइफ दे विचों हैलन कैलर दा करैक्टर स्कैच, फिर टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इन्हां दा करैक्टर स्कैच, ठीक है, दोनों बच्चों का। बाकी जिहड़े चैप्टर्स ने तुहाडे थीम दे लई ने आपां थीम वाली अलग वीडियो बनावांगे। तो यह जिहड़े आपां करैक्टर स्कैच करांगे स्टूडेंट्स, यही मैं तुहानूं पॉइंटां 'च भी दसूँगी, पैरिश तो होणगे पॉइंटां नाल भी दसूँगी कि अगर तुसीं पॉइंटां 'च करने ने, ठीक है, मतलब कि लाइन वाइज करने 1, 2, 3 लाइनां दे विच। हाँ जी, हुण आपां स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला आपां करांगे, तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा तुहाडी वीडियोज़ अपलोड कीते हुए ने चैनल 'ते, जरूर विजिट करके जिहड़े कि वॉच करो, ठीक है। सब तो पहला आपां करते हैं हसनस अटेंडेंस प्रॉब्लम दे विच हसन दा करैक्टर स्कैच। इहनां दा राइटर नेम भी जरूर याद होना चाहिए, राइटर नेम याद करने अलग तो एक वीडियो बनाई हुई है ट्रिक दे नाल, वो जरूर वॉच कर लो, ठीक है। तुहाडा करैक्टर स्कैच है हसनस करैक्टर स्कैच, जां इहनूं पेन पोर्ट्रेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, पेन पोर्ट्रेट ऑफ हसन। हसन इज़ द मेन करैक्टर ऑफ हसनस अटेंडेंस प्रॉब्लम। हाँ जी, जिहड़ा चैप्टर दा नेम है हसनस अटेंडेंस प्रॉब्लम, उस दे विचों जिहड़ा हसन आ मुख करैक्टर है, मेन करैक्टर। ही वॉज एन MCA की फुल फॉर्म होंगी है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। ही वॉज एन MCA स्टूडेंट इन बेंगलोर, बेंगलोर के MCA स्टूडेंट सी। ही वॉज टॉल हैंडसम एंड हैड अ गुड मैमरी, तो है टॉल हों लंबा, वह लंबा सी ते हैंडसम सी, भी सोहना सी, ते नाल दी नाल उहदी जिहड़ी मैमरी सी वह बहुत ज़्यादा गुड सी हसन की। बट ही वॉज नॉट ए सीरीयस स्टूडेंट, बट हसन की प्रॉब्लम की सी कि वह स्टडी नू लैके सीरीयस नहीं सी, है ना, स्टडी नू लैके वह सीरीयस नहीं सी। ही वॉज बिलोंग टू अ रिच फैमिली, तो हसन है जिहड़े कि रिच फैमिली नाल बिलोंग करता सी। ही वॉज ओनली सन ऑफ हीज पेरेंट्स, तो अपने माता पिता का इकलौता बच्चा सी, ठीक है। ही डिडंट अटेंड हीज क्लास रेगूलरली, तो अपनी कदे भी क्लास जिहड़े कि रेगूलर पंक्चुअल होकर समय के पाबंद होकर डेली जिहड़ी कि क्लास अटेंड नहीं करता सी, जिहड़े कि आउंदा ही नहीं सी उस कॉलेज। ही ऑलवेज शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस, तो हमेशा उहदी अटेंडेंस है जिहड़ी कि घट जाती सी। ही प्रिपेयर्ड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस एंड स्टूड फस्ट इन हिज क्लास, तो कुछ क्वेश्चन जिहड़े इंपॉर्टेंट हुंदे सी वह प्रिपेयर कर लैंदा सी, क्लास जिहड़े कि अपनी फस्ट पोजिशन के आ जाता सी। तो स्टूडेंट्स एक ये भी तुसी याद रखना, जिहड़े कि करैक्टर स्कैच होंगे ने जां थीम होंगे ने, इन्हां दे विच जिहड़े तुसी शॉर्ट क्वेश्चन याद करते हो वह भी तुसी लोंग दे विच ऐड कर सकते हो, ठीक है, वह भी तुसी ऐड कर सकते हो। बस अवॉइड की करने ने कि मिसटेक्स नहीं होने चाहिए। ही प्रेजेंट इन हिज क्लास डूरिंग क्लास टैसट एंड एग्जाम्स, तो क्लास के कदों आता सी, सिर्फ जो क्लास टैसट होंगे सी जां पेपर होंगे सी। अकॉर्डिंग टू हसन हार्ड वर्क्स वर नर्ड्स, तो हसन के अकॉर्डिंग जिहड़े सख्त मेहनत करते हैं की ने नर्ड्स ने, तो नर्ड का मीनिंग की होंदा, अ परसन हू इज़ बोरिंग, भी वह परसन जिहड़ा बोरिंग होवे, जिन्हों आपां स्टूपिड कहीए, जां फैशन लेवल ना होवे, ठीक है, नॉट अ फैशन लेवल, उन्हों आपां की कहना नर्ड। तो हसन के अकॉर्डिंग भी जिहड़े सख्त मेहनत करते ने वह नर्ड ने, ठीक है, भी फैशन लेवल नहीं होंदे हो तो स्टूपिड लोग होंदे ने, उहदे अकॉर्डिंग तो वह बोरिंग लोग होंदे ने। ही वॉज वॉरंट वॉय हिज टीचर एंड पेरेंट्स टू बी पंक्चुअल एंड रेगूलर इन द क्लास, तो उन्होंने कई बार जिहड़े कि वॉर्न किया गया सी उहदे टीचर्स द्वारा, ठीक है, टीचर द्वारा ते उहदे पेरेंट्स के द्वारा कि वह पंक्चुअल होवे, समय का पाबंद होवे, क्लास के रेगूलर होवे।
बट ही डिडेंट केयर अबाउट, बट वो किसी की भी जी कि इस चीज़ की परवाह नहीं करता सी। हसन डिड नॉट वैल्यू ऑफ टाइम, तो हसन नू कीमत ही नहीं सी पता टाइम की, की चीज़ की की वैल्यू आ टाइम की। ड्यू टू हिज हैबिट्स ही कुड नॉट गैट अ गुड जॉब आफ्टर पासिंग आउट, जदों उन्हें जिहड़ी कि अपनी मास्टर डिग्री जी पास कर ली, उस तो बाद उन्हें गुड जॉब जी कि नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो जो हैबिट्स से वो चंगे नहीं सी, ठीक है, जिहड़े वो बैड हैबिट्स के करके पंक्चुअल नहीं सी, वो रेगुलर नहीं होंदा सी, उन्हां करके जिहड़े कि उन्हें वधिया जॉब ना मिल पाई, तो वह की बन गया सी, ही बिकेम ए सेल्समैन ऑफ सॉफ्टवेयर सीडीज़। तो सीडीज़ सॉफ्टवेयर जिहड़े सॉफ्टवेयर सीडीज़ होंदिया ने उन्हां दा जिहड़े कि बेचण वाला बन गया सी सेल्समैन। आफ्टर मैनी ईयरस, बहुत सालों बाद, ही मैट हिज टीचर, वो आपदे टीचर नूं मिलिया। हिज टीचर वॉज शॉक्ड टू सी हिम, तो वो टीचर उन्होंने देख के हैरान हुए। हिज टीचर अडवाइज हिम, उन्होंने टीचर ने जिहड़े कि सलाह दित्ती, टू गिव अप हिज लेजीनैस, अपना जिहड़ा सुस्तीपना उन्हूं त्यागे, डू हर्ड वर्क, सख्त मेहनत करे, एंड राइज इन हिज लाइफ, तो अपनी जिंदगी दे विच अगे आवे। ही प्रोमिस टू फॉलो हर एडवाइस, तो उन्हें प्रोमिस किया अपने टीचर नूं कि वह उन्हां दी सलाह नूं जरूर मनूगा, ठीक है। हाँ जी, यह सी हसन का करैक्टर स्कैच। अगे आप करते हैं जॉन फ्लिप का करैक्टर स्कैच, ठीक है। दोनों ही करैक्टर स्कैच इंपॉर्टेंट ने तुहाडे सितंबर एग्जाम के लिए, क्योंकि एक आता होंगे करैक्टर स्कैच लॉन्ग क्वेश्चन के, एक आता होंगी है थीम, तो करैक्टर स्कैच दोनों चैप्टर की इंपॉर्टेंट ने। थीम जिहड़े कि इंपॉर्टेंट हैगे, वह लैटरल थिंकिंग की जिहड़ा चैप्टर उसकी थीम इंपॉर्टेंट है, तो जिहड़ा अपना अगला चैप्टर हैगा ऑन सेइंग प्लीज़, इन दोनों चैप्टर की थीम इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स चैप्टर के राइटर नेम जरूर याद कर रहे हैं, क्योंकि राइटर नेम के तुहानू क्वेश्चन आते ही आते हैं शॉर्ट, तो लॉन्ग च भी तुसीं इन्हां दे जिहड़े कि राइटर नेम लिख सकते होने। मार्च किंग, तो दोबारा फिर तो दस रही हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन के जिहड़े भी शॉर्ट क्वेश्चन जिहड़े तुहानू तुसीं याद किए होंगे ने, उन्हां नाल मिलदे तुसीं जिहड़े कि लॉन्ग क्वेश्चन नाल मिलदे वो विच ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के शॉर्ट के भी तुसीं ऐड कर सकते हो, बट अवॉइड की करने कि तुहाडे स्पैलिंग मिसटेक ना हो। हाँ जी, द मार्च किंग, कैथराइन लिटल बेकलेस के जिहड़े राइटर नेम है। राइट अ करैक्टर स्कैच ऑफ जॉन फ्लिप सॉसा, ठीक है। जॉन फ्लिप सॉसा वॉज द मेन करैक्टर ऑफ द स्टोरी, ये सारे दे विच तुसीं लाइन लिख सकते हो, हर एक नूं भी मेन करैक्टर आ, जिवें कि तुसीं सेंट्रल आईडी दे विच लिखदे हो, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल पोइम, इट इज़ रिटन बाय, इट गिव्स अ वेरी गुड मैसेज, ये तीन लाइन है ना, इट इज़ ए शॉर्ट पोइम, ये वाली लाइन। हाँ जी, रिटन बाय के एल भी लिख सकते हो, पूरा नेम भी लिख सकते हो, बेकलेस द्वारा लिखा हुआ। ही जॉन फ्लिप है कौन सी, ही वॉज ए यंग बॉय, जॉन फ्लिप आ जिहड़े कि यंग बॉय सी, नौजवान सी। हीज़ फादर वॉज इन यूएस मैरीना बैंड, तो वो फादर यूएसए मैरीना बैंड दे विच सी। फ्लिप वॉन्टड टू बिकम ए म्यूजिशियन एज अ चाइल्ड एट द एज ऑफ 7, जो 7 साल का ही बच्चा सी, चाइल्ड सी, बच्चा सी, तो वह म्यूजिशियन बनना चाहता सी, संगीतकार बनना चाहता सी। ही ज्वाइंड अ स्कूल ऑफ म्यूजिक, तो उन्हें स्कूल जिहड़े कि म्यूजिक का ज्वाइन किया। ही लर्न टू प्ले वॉयलन, तो उन्हें वॉयलन जिहड़े कि बजाना सीख लिया। क्यों सीख लिया सी? क्योंकि उन्हें इच्छा सी उसकी बजाने की, ठीक है, तो सीख लिया उन्हें ज़्यादा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन तुसीं इहदे विच ऐड कर सकते हो आंसर। ही लव टू प्ले बेसबॉल, इस तो अलावा जिहड़े कि उन्हें बेसबॉल खेडना भी बहुत ज़्यादा पसंद सी। ही गॉट चांस फॉर सोलो परफॉर्मेंस एट द एज ऑफ 11, जो 11 साल का सी तो उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस करने के लिए जो मौका मिलिया। बट हीज लव फॉर बेसबॉल मेड हीज कंसर्ट अ फ्लॉप शो, बट वह जो बेसबॉल के लिए जो प्यार से भी उन्होंने खेडना उस गेम के लिए उन्होंने फेवरेट से, उन्हें जो शो से वह खराब करता। क्यों फ्लॉप हो गया से वह शो? ही प्लेड अ बेसबॉल मैच ऑन द सेम डे, क्योंकि उस दिन जिस दिन वह सोलो परफॉर्मेंस होना सी उस दिन वह जो बेसबॉल मैच खेडन चला गया, तो वो को एक शर्ट से गंदी हो जाती है। हीज कलॉथ्स वर डर्टी, तो वो कलॉथ्स जो कि खराब हो जाते हैं खेडन के। ही हैड नो क्लीन शर्ट, तो वो कोई होर क्लीन शर्ट नहीं होंगी। ही वेयर्ड अ लार्ज शर्ट ऑफ हीज म्यूजिक टीचर, तो जोड़े वो म्यूजिक टीचर होंगे ने उन्होंने वो लंबी शर्ट है जोड़े कि पालों का पिनअप करके, ठीक है, क्योंकि वो जी वो शर्ट से खराब हो जाती है। फिर वो जी शर्ट लादा तो वो जोड़े वो म्यूजिक टीचर ने उन्हों की वाइफ आ जोड़े कि अपने हसबेंड की शर्ट में पिनअप करके
लंबी होंगी हो शर्ट उन्होंने पिनअप करके जड़े कि वो बॉडी पर फिट कर देंगी है, ठीक है, ताकि वह मतलब कि आप कह सके भी कम सर सके शो के। डूरिंग द शो हीज लूज शर्ट फैल अवे, बट जो शो चल रहा होंगे जी वो शर्ट होंगी वह लूज हो जाती है तो उतो डिग जाती है, ठीक है। हिज लूज शर्ट जी खुली जी शर्ट से उन्हें पिनअप की हुई से पिन खुल जाते हैं तो उदो डिग जाती है वो। द ऑडियंस बिगेन टू लाफ, तो ऑडियंस है जी कि हसन लग जाती है। तो स्टूडेंट्स ये अगर तुम लाइना कट रहे हो तो कट भी सकते हो, ठीक है। तो इनू अगर तुम पॉइंटा च लिखना पॉइंटा च भी लिख सकते हो, 1 2 3 बना के 16 17 पॉइंट भी तुम ये लिख सकते हो, ठीक है। जिमें तुहानू सौखा लगे उवें कर सकते हो। इस दे विचों जो एक लाइन फुल स्टॉप तो खत्म हो रही अगला पॉइंट ला बना सकते हो। तो ये अगर तुहानू लगता कि चीज़ याद नहीं हो रही तो इनू कट सकते हो, बट जिन्ना भी लिखो इंग्लिश दे विच ये फंडा हुंदा जिन्ना भी लिखो उन्हू विदाउट स्पैलिंग मिसटेक लिखो। ये ना हो भी तुसी 2 पेज फिल कर दो टू मच मिसटेक्स होन तो उदो कोई फायदा नहीं। बेशक थोड़ा पेज लिखो अद्धा पेज ही लिखो, जिन्ना भी तुसी लिख सकते हो उन्ना बेस्ट लिखो, उहदे विच स्पैलिंग मिसटेक ना हो। तो जिहड़ा मैं ब्रैकेट दे विच पाया होया क्वेश्चन विच ऐड किए हुए हैं तुसी इन्हां नूं छड्ड भी सकते हो, ठीक है। अगर जिहड़े बच्चे सारा करना चाहुंदे ने बहुत वधिया गल है तो सारा भी कर सकते हैं। डूरिंग द शो हीज लूज शर्ट फैल अवे, शर्ट उहदे परफॉर्मेंस दे अकॉर्डिंग शो दे दौरान जिहड़ी उहदी शर्ट आ जिहड़ी डिग जांदी आ। द ऑडियंस बिगेन टू लाफ, द ऑडियंस जिहड़ी कि हसना शुरू कर दिंदी आ। दिस फेलियर ब्रोकन हिम, तो यह जिहड़ी उहदी असफलता हुंदी उहनूं तोड़ दिंदी आ, ठीक है, क्योंकि वह खुद भी उतों उन्होंने पता लगता भी वह की करे भुल जाता तो उतों दौड़ जाता, ठीक है, स्टेज तो। ही ट्राई टू बी बेकर, तो फिर वह की बनने बारे सोचता कि बेकर बन जूगा, बेकर बनने बारे वो जी कि कोशिश करता, बट ही कुडंट डू, बट वो यही चीज़ नहीं कर सकता, बेकर भी नहीं कम बन सकता वो। द बेकरी वर्क वॉज ट्राइंग जॉब, क्योंकि उन्होंने लगता कि बेकरी जोड़े काम करना खड़के जोड़े काम करना वो बहुत थकावट वाला काम आ, सो ही लैफ्ट इट, तो उन्होंने उस काम भी छड़ दिंदा। अ सर्कस मैन ऑफर्ड हिम टू ज्वाइन सर्कस, फिर कहना एक सर्कस मैन से जोड़ा उन्होंने ऑफर करता सर्कस में ज्वाइन करने लिए। बट हिज फादर मोटीवेटड हिम टू ज्वाइन म्यूजिक अगेन, बट वो फादर है जोड़े कि उन्होंने दोबारा तो मोटीवेट करते हैं कि वह जोड़े कि म्यूजिक दोबारा तो ज्वाइन करे। ही ज्वाइन USA मैरीना बैंड एंड बिकम ए फेमस कंपोजर, फिर वह दोबारा तो USA मैरीना बैंड जोड़े कि ज्वाइन करता तो एक मशहूर है जोड़े कि कंपोजर बन जाता। ही रोट मोर दैन 100 मार्चस, तो वह की लिखता मोर दैन 100 तो वध जिहड़े कि मार्चस लिखता। ही बिकम फेमस एज अ मार्च किंग, तो वह मशहूर बन जाता एज अ मार्च किंग, ठीक है। तो ये लास्ट के ये भी लाइन ऐड कर सकते हो, ही बिकम वेरी फेमस, भी वह बहुत मशहूर हो गया सी बाय कंपोजिंग द वस्टिंगन पोस्ट मार्च, भी वह बहुत मशहूर हो गया सी वस्टिंगन पोस्ट मार्च करन दो बाद, ठीक है, ये भी तुसीं लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स जिम्मे हम अपने हसन तो जॉन फिलिप सोसा का करैक्टर स्कैच किया, इन्हों जे कि एवें भी दर्शा सकते हो, मतलब कि माइंड मैप भी बना सकते हो, ठीक है। जिमें हसन हसन लिख के विचकार करैक्टर स्कैच आ, प्रोमिस टू राइज इन लाइफ अपने टीचर नू प्रोमिस किया, टॉल हैंडसम सी हैंडसम बॉय सी, बट की सी इरेगुलर बॉय सी, ठीक है, इरेगुलर बॉय सी। फाइट फ्रॉम जॉब्स फॉर लेजी हैबिट्स, एक तुसी कट के सीधा लेजी हैबिट्स कर सकते हो। मीटिंग फ्रूटलैसली, जिहड़ी कि इन्हां दी मीटिंग हुई सी इन्हूं सुधारन दे लई उह फ्रूटलैस नहीं निकली। थिंक एंड हार्ड वर्कर आर नर्ड्स, की सोचदा सी कि हार्ड वर्कस जां अकॉर्डिंग टू हसन हार्ड वर्कस आर नर्ड्स होंदे सी, ठीक है। मैट द नरेटर एट द एज ऑफ 35 ईयरस, ये जदों एज सी तां नरेटर नूं मिलिया सी। सी डी सेलर सी, डोर टू डोर जाके सी डी सेलर बेचता सी। इंटैलीजेंट सी बट की सी इरेगुलर सी, ठीक है। शो अप इन क्लास डूरिंग क्लास टेस्ट और एग्जाम दे विच ही दिखता सी। बाकी तुसी फिर इनू एवें भी बना सकते जो मतलब कि तुहानू पूरा याद करन च नहीं याद हो रहा तुसी फिर इनू एवें जिहड़े कि पॉइंट्स कट के, ठीक है, ये बारे होर भी पॉइंट्स तुसी कट सकते हो, फिर तुसी इनू एवें लिख सकते, ठीक है। ही वॉज अ टॉल एंड हैंडसम बॉय, ही प्रोमिस टू राइज इन लाइफ, ही वॉज अ रेगुलर स्टूडेंट्स, ठीक है। ही थिंक हार्ड वर्कस आर नर्ड्स, ही वॉज वेरी इंटेलीजेंट स्टूडेंट्स, ही शो अप इन द ही शो अप डूरिंग क्लास टेस्ट और एग्जाम्स, ठीक है। हीज पेरेंट्स टीचर मीटिंग, मतलब कि इन एवं ही लाइनों इन्होंने बना सकते हो, ठीक है, फिर भी थानू फुल मार्क्स आ जाएंगे। मतलब कि वैसे लिखो थोड़ा बेशक बट स्पैलिंग मिसटेक ना होना, तो यह माइंड मैप बना के फिर तुसी इहदे बारे लाइना भी लिख सकते हो। नैक्सट, हाँ जी, जॉन फिलिप सोसा दे विचों भी मार ये द मार्च किंग दे जॉन फ्लिप का यंग बॉय सी, ठीक है, यंग बॉय वॉन्टड टू बिकम ए म्यूजिशियन बनना चाहता सी,
ठीक है, राइट 100 मार्चेस लिखे उन्हें। इनलिस्टड इन द यू एस ए मैरीना बैंड दे विच सी, लर्नड टू प्ले वॉयलन, ठीक है, एट द एज ऑफ 7 एज तो ही जिहड़े कि उह सिखण दा चाहवान सी, म्यूजिक स्कूल उन्हें ज्वाइन किया सी विलियम राणा साहब दे। ऑफर्ड जॉब इन सर्कस, सर्कस के विच भी जॉब मिली लिए ऑफर होए से, बट उन्होंने वो ड्राइंग जॉब लगती सी, ठीक है। परफॉर्मेंस सोलो इन द कंसर्ट शो दे विच उन्हें सोलो परफॉर्म करना सी। लव बेसबॉल, बेसबॉल में पसंद करता सी। वेकरी वर्कड एट वेकरी, वेकरी के भी काम किया, ठीक है। तुम एवें कढ़ के फिर तुम ये बारे लाइना लिख सकते हो। हाँ जी, हुण आपां करांगे जिहड़े कि हैलन कैलर का करैक्टर स्कैच, इहदे बारे भी तुसीं लिख सकते हो। हैलन कैलर नरेटर ऑफ द चैप्टर, ठीक है, चैप्टर दे लेखक ने, इह नरेटर ऑफ द चैप्टर। लाइक अ शिप लॉस्ट इन सी, भी उहनां दी जिहड़ी कि एवें सी जिंदगी पढ़न तो पहलां, भी जिवें समुद्र दे विच किश्ती डुबी भी हुंदी है, ठीक है। फिर इहनां ने इह क्विक लर्नर सी, जल्दी सीखण वाले सी। लर्न टू रीड एंड राइट, फिर इहनां ने जदों इहनां टीचर आ गए सी एनए सुलेवॉन हर टीचर, इन्होंने इन्हों पढ़ना सिखाया विद फिंगर प्ले। तुसीं इत्थे फिंगर प्ले भी लिख सकते हो, भी फिंगर लर्न विद फिंगर प्ले, फिंगर प्ले दे नाल लर्न करना सीखिया। लर्न टू रीड एंड राइट, रीड एंड राइट करना सीखे। लिप रीडिंग, लिप रीडिंग भी सीख गए सी, लिप्स रीडिंग, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ हर लाइफ, ठीक है, फस्ट वर्ड की सीखा सी, इन्होंने डॉल सीखा सी। तो 19 मंथस ओल्ड सी जदों इन्हों जिहड़े कि यह बिकम डीफ एंड ब्लाइंड बन गए सी, मतलब कि जो 19 महीने दे सी जदों ये हैलन कैलर जदों उन्होंने फीवर हो गया सी, फिर वो जिहड़ी कि ब्लाइंड डीव बन गई सी। फिर ऑटोबायोग्राफी इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पीरेशन जां मोटिवेशन, इन्हें जिहड़ी ऑटोबायोग्राफी है एक मतलब कि मोटिवेशन देने वाली है। स्पैल वर्ड्स विद फिंगर प्ले नाल सीखे इन्हां ने, वर्ड्स किहड़े किहड़े सीखे सी, पिन हैट कप, ठीक है, वर्ब्स सी, सिट स्टैंड एंड वॉक, मतलब कि तुसीं एवें हैडिंग्स कढ के, ठीक है, फिर आपां इहनूं तुसीं अगे लिख सकते हो माइंड मैप बना के एवें, ठीक है। अगर तुहानूं माइंड मैप नहीं आउंदा तां नो नीड, फिर तुसीं सीधे ही बना सकते हो, ठीक है। अगर तुहानूं दूजे तरह औखा लगता फिर तुसीं माइंड मैप बना के फिर इहदे बारे लाइनां लिख सकते हो। देखो तुसीं एवें पॉइंटां 'च वी याद कर सकते हो, मतलब कि लाइनां दे विच, ठीक है। पहले मैं तुहानूं एवें करवा दां फिर करवानी आ। हाँ जी, हैलन कैलर वो, हाँ जी, हैलन कैलर वॉज अ वूमेन ऑफ स्ट्रोंग विल पावर एंड डिटरमीनेशंस। हाँ जी, हैलन कैलर है जिहड़ी कि स्ट्रोंग विल पावर हुंदा, मतलब कि पक्के इच्छा पूर्ण, मतलब कि मजबूत इच्छा शक्ति वाले, ठीक है। हैलन कैलर है जिहड़ी कि मजबूत इच्छा शक्ति वाले, तो डिटरमीनेशंस हुंदा दृढ़ इरादे वाली, ठीक है, दृढ़ इरादे वाली औरत सी, ठीक है। शी इज़ एन इंट्रस्टिंग करैक्टर ऑफ द स्टोरी, तो वो एक दिलचस्प जिहड़ी कि करैक्टर ने, पात्र ने इस स्टोरी के, क्योंकि वो खुद ही राइटर ने इसते। एट द एज ऑफ 19 मंथस शी बिकम ब्लाइंड एंड डीफ बिकॉज ऑफ फीवर, कहिंदे जदों वो 19 महीनों के होए तो वह जिहड़े कि ब्लाइंड एंड डीफ बन गई, क्योंकि उन्होंने फीवर हो गया सी। इट मेड हर लाइफ डार्क, जदों उन्होंने फीवर हो गया तो ये ब्लाइंड एंड डीफ बन गई, तो उन्होंने लाइफ किवें बन गई, एक हनेरे वाली भरी जिहड़ी कि लाइफ बन गई उन्होंने। बट शी फाउट अंगेंस्ट हर मिस्ट्रीज, बट वह इन्हों जिहड़े कि उन्होंने चुनौतियां सी, इन्हें दुख तकलीफ सी, उन्होंने विरुद्ध लड़ी। शी हैड रिमार्केबल गिफ्ट फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, उसके कोल एक बहुत ही शानदार गिफ्ट सी कम्युनिकेशन वाला, ठीक है। हर टीचर नेम्ड एन ए सुलेवॉन केम टू टीच हर, एन ए सुलेवॉन जिहड़े कि उन्होंने टीचर सी उन्होंने पढ़ाउण आए, ठीक है। शी टाउट हर विद फिंगर प्ले, तो उन्होंने टीचर ने उन्होंने जिहड़े कि फिंगर प्ले दे नाल, ठीक है, पढ़ना सिखाया। हैलन कैलर वॉज़ अ क्विक लर्नर, तो हैलन कैलर जिहड़ी कि बहुत जल्दी सीखने वाली सी। शी वॉज़ एन इज़ अ लर्नर, तो वह बहुत उत्सुक वाले लर्नर से, मतलब कि सीखने के जोड़े उत्सुक होंगे ने वाले से। शी वॉज़ वर्कड हर्ड, तो हैलन कैलर ने सख्त मेहनत की, ठीक है। शी लर्नड टू रीड एंड राइट ब्रेल, तो उन्हें ब्रेल रिपी के राही पढ़ना तो लिखना सीखा। शी नॉट ओनली लर्न हाउ टू रीड एंड राइट बट आलसो अंटेंड अ ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम कॉलेज, कहना उस भी उसने हैलन कैलर ने सिर्फ पढ़ना तो लिखना ही नहीं सीखा भी किमें पढ़िया जा सकता, किमें सीखा जा सकता, बल्कि उन्हें जिहड़े कि ग्रेजुएशन डिग्री, ग्रेजुएशन हुंदा BA, ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री भी हासिल की कॉलेज तो, क्योंकि वह ब्रेल रिपी राही लिखना जिहड़ी कि पढ़ना सीख गई सी। एट द एज ऑफ 21, जदों वह 21 साल की हुई, शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी,
ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ। ਹਾਂਜੀ 21 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਜਾਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ 22। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜ ਸੀ 22, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਸੀ ਏਜ 21। ਓਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨੇਮ। ਇਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹਰ ਸਟਰਗਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਥਰੂ ਹਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਰਨਟ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਦਾ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਫ ਵਰੋਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਟੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਫ ਵਰੋਨਾ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਏ ਜੇ ਕੋਰਨਿਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਟੂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਸਿਸਟਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਦ ਐਲਡਰ ਬ੍ਰਦਰ ਨਿਕੋਲਾ ਵੋਜ 13 ਈਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਨਿਕੋਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਕੋਲੇ ਦੀ ਏਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਨਿਕੋਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹ। ਨਿਕੋਲਾ ਦੀ ਏਜ਼ ਸੀ 13 ਈਅਰਸ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਜਕੋਪੋ ਵੋਜ 12 ਈਅਰਸ ਓਲਡ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਕੋਪੋ ਸੀ ਉਹ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਲਡਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਨਿਕੋਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਡ ਬਰਾਊਨ ਸਕਿੰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੰਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਰਾਊਨ ਸੀ, ਟੈਂਗਲਡ ਹੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਆਈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਰਕ ਸੀ। ਦੇ ਵਰ ਵੇਅਰਿੰਗ ਡਰਟੀ ਡਰੈਸਿਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਰਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੇ ਵਰ ਮਦਰਲੈਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਫਾਦਰ ਵੋਜ ਕਿਲਡ ਇਨ ਅ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਅ ਬੋਂਬ ਡਿਸਟਰੋਏ ਦੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੇ ਵੀ ਕੇਮ ਹੋਮਲੈਸ ਐਂਡ ਔਰਫਨਸ, ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਦਰ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਔਰਫਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਅਰ ਸਿਸਟਰ ਲੂਸੀਆ ਵੋਜ ਇਨ ਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਟੀਵੀ ਆਫ ਦਾ ਸਪਾਈਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਲੂਸੀਆ ਉਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਆਫ ਸਪਾਈਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਫਰਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ, ਪੀੜਿਤ ਹੋਣਾ। ਦਾ ਔਥਰ ਰਾਈਟਰ, ਜਾਂ ਔਥਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਟ ਦੈਮ ਇਨ ਵਰੋਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਦੇ ਵਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਪੂਅਰ ਲਾਈਫ, ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਡਿਡ ਮੈਨੀ ਜੋਬਸ ਟੂ ਅਰਨ ਮਨੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇ ਸੋਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਫਰੂਟਸ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸ਼ੂਜ਼ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਰੀਡ ਮੈਸੇਜ ਫੋਰ ਅਦਰਸ, ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕਡ ਐਜ਼ ਗਾਈਡਸ, ਅਤੇ ਗਾਈਡਸ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਗਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਵਰਕਡ ਹਰਡ ਫੋਰ ਦੇਅਰ ਸਿਸਟਰਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਦੇ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਲਵ, ਡਿਵੋਸ਼ਨ, ਕਾਇੰਡਨੈਸ ਐਂਡ ਸੈਲਫਨੈਸ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲੀਦਾਨ, ਕਾਇੰਡਨੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਆਲਤਾ, ਸੈਲਫਨੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਲਫਲੈਸਨੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਰਸਵਾਰਥਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਸਵਾਰਥਪਣਾ। ਦ ਟੂ ਬੋਆਇਜ਼ ਵਰ ਡਿਵੋਟਡ ਟੂ ਦੇਅਰ ਸਿਸਟਰ, ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਏ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਏ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈ ਡੀ ਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕਸ।